जरा सोचो तो चाचू, मैं राजा बनूंगा तब आप मेरा हुक्म मानेंगे, फिर आप क्या करेंगे? कितना अजीब होगा ना। तुम क्या जानो भतीजे, तुम्हारे बाबा ने पूरी गौरव भूमि दिखा दी लेकिन काली घाटी तो नहीं दिखाई होगी। दिखाई क्या? नहीं, बोलेगा कभी मत जाना, कभी भी नहीं। और ये बिल्कुल सही बात की उन्होंने, क्योंकि हाथियों का कब्रिस्तान बच्चों का मैदान नहीं है राजकुमार। हाथियों का कब्रिस्तान, वाह। ओ, ये मैंने क्या बता दिया भतीजे? खैर, तुम तो महाराज बनने ही वाले हो, आज नहीं तो कल, पता कर ही लेते। पापा जा चुके हो? सभी बड़े जा चुके हैं, और वो कोई बच्चों की जगह नहीं, हर तरफ सड़ी हुई हड्डियाँ और खौलता हुआ दलदल है। सड़ी हड्डियाँ, खौलता दलदल? वादा करो तुम उससे दूर रहोगे सिम्बा, जाओ खेलो। और याद रहे, ये हमारा राज है महाराज। नाला, चलो मेरे साथ आओ। कहाँ? तालाब तक। सिम्बा, इसकी सफाई हो रही है और अब तुम्हारी बारी है। माँ, मैं अपने आप ही कर लूंगा। हेलो मत, मेरे बाल मत बिगाड़ो ना। चलो कान साफ करने दो, बहुत हो गया। माँ देखा, सफा चट हो गया, अब हम जाए। लकड़ बग्गे तो भाग गए, आपने सबको भगाया है ना। बस तालाब तक जाना और आगे नहीं, याद रहे हवा के साथ चलना। और हाँ, एक और बात, जाजू भी तुम्हारे साथ जाएंगे। जाजू? जाजू साथ जाएंगे या फिर कोई नहीं जाएगा। साथ साथ हैं, समझ गए ना, संगठन में शक्ति। तो अब सच बताओगे कहाँ जाना है? ऐसा क्यों पूछ रही हो? तालाब तो तुम जाने से रहे। नाला, मैंने एक जगह के बारे में सुना है, बहुत ही कमाल की है और अनोखी। जगह बताओ बस। हाथियों का कब्रिस्तान। वाह, कितनी दूर है? ज्यादा नहीं, बस काली घाटी तक। पर घबराओ मत, सभी वहाँ जा चुके हैं। हम उतनी दूर पहले कभी नहीं गए, अगर खो गए तो? इतना क्यों डर रही हो? बाबा ने मुझे आज सुबह ही पूरी गौरव भूमि दिखाई है, फिकर की कोई बात नहीं है। कैसे नहीं है? इधर कोई है? खतरे की घंटी बज रही है। अरे ये तो मेरी परछाई है, कितना बड़ा लग रहा हूँ मैं।